हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 15 और फिल इन द ब्लैंक का पार्ट 5 लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमें पता है कि हम ऑलरेडी 4 पार्ट इसका डिस्कस कर चुके हैं फिल इन द ब्लैंक के, और हमारा टोटल लेक्चर नंबर हमारे 15 है। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक का पार्ट 5 है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए टाइम वेस्ट करते हैं, सेंटेंस को डिस्कस करना हम शुरू कर देते हैं। फर्स्ट नंबर सेंटेंस देखिए, ही डाइड डॉट 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 मलेरिया। ऑप्शन ए में आया है, फ्रॉम बी में आया है, विद सी में आया है, बाय और डी में आया है ऑफ। एक चीज जानते रहिए कि डाई के बाद अलग अलग प्रीपोजिशन यूज होते हैं, वो डिपेंड करता है कि इंसान की डेथ किस वजह से हो रही है। तो वहां पे अलग अलग कारण की वजह से अलग अलग प्रीपोजिशन भी लगता है। तो डाई के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा वो देखेंगे किस वजह से उसकी डेथ हुई। अगर किसी इंसान की या किसी की डेथ हो रही इलनेस या डिजीज, मतलब किसी बीमारी से हो रही है, या फिर हंगर या स्टारवेशन मतलब की वजह से हो रही, थ्रस्ट मतलब प्यास की वजह से हो रही, ग्रीफ मतलब दुख की वजह से हो रहा है, शेम या फिर कोई इंसान शर्म की वजह से उसकी डेथ हो गई, शर्म के मारा वो मर गया, इस कंडीशन में आप डाई के बाद हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। तो हम यहां पर ऑफ देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा और डी ऑप्शन क्या है, हमारा सही है। ऑप्शन ए बी सी ये तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। सेकेंड नंबर सेंटेंस देखिए, ही डाई डॉट 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 अ वाउंड। ऑप्शन ए में आया है, फ्रॉम बी में आया है, ऑफ सी में आया है, विद और डी में आया है, बाई। एक चीज जानते रहिएगा, डाई के बाद हमें बताया, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कई अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस वजह से उसकी डेथ हुई। अगर किसी इंसान या किसी की डेथ हो रही वाउंड मतलब घाव की वजह से, ओवर ईटिंग जरूरत से ज्यादा खाना खाने की वजह से, ओवर ड्रिंकिंग जरूरत से ज्यादा शराब पीने की वजह से, या फूड पॉइजनिंग या विषैले भोजन करने की वजह से किसी की डेथ होती है, तब डाई के बाद फ्रॉम का यूज करेंगे। और फ्रॉम हमारा कहां पे, ए ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और ऑप्शन बी सी डी ये तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, ही डाई डॉट 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 वायलेंस। ऑप्शन ए में आया है, फ्रॉम बी में है, बाई सी में है, ऑफ और डी में है इन। एक चीज जानते रहिए कि डाई के बाद यहां प्रीपोजिशन कौन सा हम लगाएंगे वो डिपेंड करता है कि किस कारण से उसकी डेथ हुई। अगर उसके डेथ होने का कारण सुसाइड हो रहा है, आत्महत्या है, या वायलेंस का मतलब हिंसा है, तब जानते रहिएगा डाई के बाद हम बाई का यूज करते हैं। और बाई ऑप्शन कहां पे आया है, हमारा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी ऑप्शन यहां पे सही हो गया, और ऑप्शन ए सी और डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। फोर्थ नंबर सेंटेंस देखिए, हिज ओल्ड ग्रैंडफादर डाई डॉट 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 नेग्लेक्ट। ऑप्शन ए में आया है, फ्रॉम बी में आया है, बाई सी में आया है, ऑफ और डी में आया है थ्रो। एक चीज जानते रहिए, अगर किसी की डेथ होती है और किस वजह से, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब लापरवाही, लापरवाही की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसकी प्रॉपर केयर नहीं होती, इस वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो हम डाई के बाद थ्रो का यूज करते हैं। थ्रो हमारा ऑप्शन कहाँ है, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और ऑप्शन ए बी सी तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। फिफ्थ नंबर सेंटेंस देखिए, ही डाइड डॉट 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 हिज बिलीफ। ऑप्शन ए में आया है, ऑफ बी में आया है, इन सी में आया है, फ्रॉम और डी में आया है फॉर। एक चीज जानते रहिएगा, अगर किसी की डेथ होती है और डेथ का जो कारण या रीजन होता है उसकी खुद की विश्वास होती है, अपने विश्वास की वजह से उसकी डेथ हो गई, या फिर वो अपने देश के लिए मर गया, तो जानते रहिएगा इस कंडीशन हम डाई के बाद हम फॉर का यूज करते हैं। और फॉर हमारा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ही डाई फॉर हिज बिलीफ। ही डाई वह मर गया, फॉर हिज बिलीफ मतलब अपने विश्वास के लिए। सिक्स नंबर सेंटेंस देखिए, ही डाई डॉट 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 द बैटल फील्ड। ऑप्शन ए में आया है, इन बी में आया है, इन टू सी में आया है, बाई और डी में आया है थ्रो। एक चीज जानते रहिए, अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है और कहां पे, वॉर में या बैटल, वॉर या बैटल मतलब युद्ध में, या बेड में ही उसकी डेथ हो जाती है, या फिर हार्नेस, हार्नेस मतलब अंतिम समय तक कार्य करते करते उस इंसान की डेथ हो जाती है, तब हम डाई के बाद इन यूज करते हैं। और इन देखिए ऑप्शन कहां पे आया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और ऑप्शन बी सी डी हमारे तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। सेंटेंस नंबर सेवन देखिए, ही डाई डॉट 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 हिज बिलव्ड। ऑप्शन ए में आया है, ऑफ बी में आया है, विद सी में आया है, इन और डी में आया है फ्रॉम। एक चीज जानते रहिएगा, अगर कोई इंसान मर जा रहा है वो भी किसी के साथ साथ, तो उस कंडीशन में, किसी के साथ डेथ होने की कंडीशन, हम डाई के बाद विद का यूज करते हैं। और विद देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी में आया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, ही डाई उसकी डेथ हो गई या वह मर गया, विद हिज बिलव्ड अपनी प्रेमिका के साथ, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी से यहाँ पे सही है। एट्थ नंबर सेंटेंस देखिए, इट इज द कॉज, यही कारण है, डॉट 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 और लास्ट में आया है मर्डर। ऑप्शन में क्या आया है, ऑप्शन ए में आया है, फॉर बी में आया है, इन सी में आया है, ऑफ और डी में आया है अबाउट। अब एक चीज जानते रहिएगा कि कभी हमेशा याद रखिएगा कि कॉज, सी ए यू एस ए, कॉज के बाद हमेशा ही ऑफ का यूज होता है। हम यहां देखेंगे कि ऑफ कहाँ है, ऑफ है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और ऑप्शन ए बी और डी ये तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज द कॉज, यही वो कारण है ऑफ मर्डर, मतलब मर्डर का।
सेंटेंस नंबर 9th देखिए, इट इज द रीजन, यही कारण है डॉट 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 और लास्ट में आया है मर्डर। ऑप्शन ए में आया है, एड बी में आया है, विद सी में आया है, ऑफ और डी में आया है फॉर। एक चीज जानते रहिएगा, रीजन के बाद हमेशा ही फॉर का यूज होता है, फॉर हमारा देखने है ऑप्शन कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है यहां सही है। ऑप्शन ए बी और सी तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज द रीजन, यही कारण है फॉर मर्डर, मतलब मर्डर के लिए। तो यहां पे ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा, सही है। 10th नंबर सेंटेंस देखिए, He is confident dot 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 his success। ऑप्शन ए में आया है, into बी में आया है, in सी में आया है, off और डी में आया है by। एक चीज जानते रहिएगा, confidence के साथ ना तो into लगता है, ना तो in लगता है, ना तो by लगता है, बल्कि confident के साथ हम off का यूज करते हैं, और off हमारा ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, और ऑप्शन ए बी और डी ये तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। सेंटेंस नंबर 11th देखिए, द चाइल्ड वॉज सिटिंग, जो बच्चा था वो बैठा हुआ था, डॉट 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 द मदर। ऑप्शन ए में आया है, टू बी में आया है, ऑफ सी में आया है, बिसाइड और डी में आया है बिसाइड्स। अब देखिएगा यहाँ पे टू अगर ऑप्शन में देखें तो इसका कोई सेंस नहीं है, ऑफ का भी यहाँ कोई सेंस नहीं है। ऑप्शन सी और डी ये दो है हमारे, इसी में से कोई एक लगेगा। तो जानते रहिएगा, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। तो यहाँ पे के अतिरिक्त का कोई सेंस नहीं है, बल्कि बच्चा बैठा हुआ है माँ के बगल में, बगल में का सेंस दे रहा है, और बगल में की जो मीनिंग होती है ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिसाइड। तो यहाँ बिसाइड लगेगा, और ऑप्शन ए बी डी ये तीनों क्या हो जाएंगे, नंबर सेंटेंस देखिए, आई कॉल्ड, मैंने बुलाया एवरी वन, मतलब हर एक को, उसके बाद देखिए डॉट 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 और लास्ट में आया है रवि। ऑप्शन ए में आया है बिसाइड, बी में आया है बिसाइड, सी में आया है टू और डी में आया है इन। अब देखिएगा यहाँ पे लास्ट का जो ऑप्शन है सी और डी, इन दोनों का कोई यहाँ सेंस नहीं है, ऑप्शन हमारे ए और बी में से ही कोई एक लगेगा। अब ये ए लगेगा या बी, वो मीनिंग पे हम देखते हैं। देखिएगा बिसाइड्स आपको बताया गया था के अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। तो यहाँ सेंस देखिए क्या दे रहा है, आई कॉल्ड, मैंने बुलाया एवरी वन, मतलब हर एक को। तो क्या कहेंगे कि रवि के बगल में या फिर रवि के अलावा, तो यहां पे के अलावा के सेंस में सेंटेंस हमारा जा रहा है। तो कहेंगे आई कॉल्ड एवरीवन, मैंने हर एक को बुलाया सिवाय रवि के। तो यहां सिवाय या के अलावा जो आएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा है। यहां बिसाइड्स लगाएंगे तो हमारा बिसाइड्स ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी सी डी ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई कॉल्ड एवरीवन बिसाइड्स रवि, आई कॉल्ड एवरीवन, मैंने हर एक को बुलाया बिसाइड्स रवि के अलावा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है यहां पे, सही। तो मे भी आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी कैसे फिल इन द ब्लैंक करना है, अगर फिक्स्ड प्रीपोजिशन आ गया सेंटेंस में फिलअप करने के लिए। तो एक चीज जानते रहिएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको आ सकता है। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार वीडियो को वॉच करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट हो सकें, और एग्जाम में आप अच्छे नंबर भी पा सकें। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, और मे भी आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अगर सारी चीज समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।